दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, और अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने आज तक एक ना एक बार टॉरेंट के बारे में जरूर सुना होगा। अब टॉरेंट क्या है और ये कैसे काम करता है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉरेंट डाउनलोडिंग से पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्राउजिंग या डाउनलोडिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने अपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट का एड्रेस डाला, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट का सर्वर है वहां से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, या अगर आप कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल जिस सर्वर पे सेव्ड है वहां से वो फाइल आपके कंप्यूटर तक या आपके मोबाइल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये तो थी सिंगल यूजर की बात। अब आप मान लीजिए कि एक साथ एक ही वेबसाइट को या एक ही फाइल को हजारों लाखों लोग अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में उस सर्वर का बहुत ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है, उस सर्वर को बहुत ज्यादा स्पीड सपोर्ट करना जरूरी है, वरना जो सभी यूजर्स हैं उनको वेब पेज है वो शो नहीं होगा टाइम पे या बहुत टाइम लगेगा लोडिंग में। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि एक फाइल को आप बहुत से यूजर्स तक शेयर कर पाएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसको बहुत सारे विजिटर्स एक साथ देख पाएं, तो ऐसे में आपका सर्वर जो है उसका बहुत ही पावरफुल होना जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं टॉरेंट डाउनलोडिंग की। देखिए, टॉरेंट डाउनलोडिंग में क्या होता है कि एक सिंगल यूजर, जैसे कि मान लीजिए मैं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास में कोई भी एक डॉक्यूमेंट है या कोई म्यूजिक है या कोई वीडियो है, फोटो है, कुछ भी है, अगर मैं चाहता हूं कि उसको मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सभी पूरी दुनिया में कहीं पे भी सब तक मैं पहुंचा पाऊं, तो ऐसे में मैं एक हाई एंड सर्वर का यूज तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो है नहीं सर्वर, तो ऐसे में मैं टॉरेंट का यूज कर सकता हूं। देखिए, टॉरेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अभी मान लीजिए कि वो जो फाइल है वो मेरे पास है, वो मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में या कहीं पे भी वो जो फाइल है वो सेव्ड है, मैं किसी भी टॉरेंट होस्टिंग वेबसाइट पे जाके उस फाइल का एक टॉरेंट क्रिएट कर दूंगा। मान लीजिए कि आप में से किसी ने उस टॉरेंट को डाउनलोड किया, जैसे ही आप उस टॉरेंट को डाउनलोड करके अपने टॉरेंट क्लाइंट में उसको ऐड करते हैं, तो टॉरेंट क्लाइंट मेरे से वो फाइल आप तक धीरे धीरे पहुंचाना स्टार्ट कर देगा, जितने मेरे इंटरनेट की अपलोड स्पीड है या जिस स्पीड से फाइल अपलोड हो रही है और जितनी आपकी डाउनलोड स्पीड है उसके अकॉर्डिंग वो आपको फाइल वहां तक पहुंचा देगा। जैसे जैसे फाइल आपके सिस्टम में आना स्टार्ट होगी, मान लीजिए 2%, 3%, 1%, कितनी भी फाइल जब आपके सिस्टम में पहुंच रही है, तभी आप अपने सिस्टम से भी उस फाइल को अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि अगर आपके डाउनलोड करने के बाद या आपके डाउनलोड करते करते अगर कोई दूसरा यूजर भी उस टॉरेंट को डाउनलोड करता है, तो उसको दो जगह से वो फाइल मिलेगी, एक तो मेरी तरफ से और एक आपकी तरफ से। ऐसे ही जब वो यूजर उस फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, तब उस फाइल के तीन सोर्स बन जाएंगे, तो अगर कोई नया यूजर आएगा तो उसको तीन जगह से फाइल मिलेगी। तो टॉरेंट बेसिकली एक ऐसा जाल क्रिएट कर देता है 1-to-1 नेटवर्क्स का, जिसमें एक ही फाइल एक ही साथ बहुत जगह पहुंच जाती है, बहुत जगह से डाउनलोडिंग भी हो रही होती है, अपलोडिंग भी हो रही होती है। तो पूरे तरीके से टॉरेंट जो है इस तरीके से काम करता है। अब होता क्या है, आप सोचेंगे कि फाइल तो मेरे पास पहुंची थी 2%, तो कौन सी अपलोड होगी, कौन सी डाउनलोड होगी? तो देखिए, उसमें ऐसा होता है कि टॉरेंट जो फाइल है उसको टुकड़ों में डाउनलोड करता है, उसको जहां से जितनी मिले, मान लीजिए मेरे को पहले लास्ट वाला पोर्शन मिल गया तो लास्ट वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर पहले वाला आ जाएगा, ऐसे करते करते एट द एंड आपको वो पूरी फाइल को कंबाइन करके और आपको जो फाइल है वो दे देता है। अब दोस्तों, इसमें दो टर्म्स होती हैं, सीडर्स और लीचर्स। देखिए, सीडर्स तो वो लोग होते हैं, वो यूजर्स होते हैं जो उस फाइल को एट द मोमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो जब भी आपको टॉरेंट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको दिखाता है सीडर्स का नंबर कितना है, तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ, ये जो फाइल है ये टॉरेंट है, ये हेल्दी टॉरेंट है, इसके सीडर्स बहुत ज्यादा है और इसको काफी ज्यादा लोग अपलोड कर रहे हैं। फिर दोस्तों, हम बोलते हैं लीचर्स, लीचर्स को हम पीयर्स भी बोलते हैं। तो लीचर्स या पीयर्स वो यूजर्स होते हैं जो उस फाइल को उस टाइम पे डाउनलोड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप एक टॉरेंट डाउनलोड करते हैं जिसमें जो सीडर्स हैं वो 10,000 हैं, जो लीचर्स हैं वो मान लीजिए 12,000 हैं। तो इसका मतलब 10,000 लोग उस फाइल को अपलोड कर रहे हैं, 12,000 उस लोग उस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो आपको काफी अच्छी मिलेगी, काफी तेजी से वो जो फाइल है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आपको इजीली उसको डाउनलोडिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कि एक टॉरेंट है, उसके अंदर सीडर्स सिर्फ 2 हैं और लीचर्स हैं वो 2,000 हैं, तो ऐसे में अगर आप उसको लगाएंगे डाउनलोड पे तो आपको स्पीड बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि सिर्फ 2 यूजर ऐसे हैं जो उस फाइल को अपलोड कर रहे हैं और वो 2,000 यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जो स्पीड है वो बहुत बहुत आपको कम देखने को मिलती है। फिर दोस्तों, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव सीडर्स। तो देखिए, एक्टिव सीडर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने कंप्यूटर में उस फाइल को डाउनलोड किया टॉरेंट क्लाइंट के थ्रू, फाइल पूरी डाउनलोड होने के बाद भी उन्होंने उस टॉरेंट क्लाइंट में उस पर्टिकुलर टॉरेंट को स्टॉप नहीं किया, तो ऐसे में वो उस फाइल को डाउनलोड तो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन वो अपने अपलोड स्पीड के अकॉर्डिंग उसको अपलोड किए जा रहे हैं और वो बाकी सभी का फायदा कर रहे हैं। कुछ यूजर्स इसमें ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि जब वो एक टॉरेंट डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो अपनी अपलोड स्पीड को एकदम कम से कम कर देते हैं। टॉरेंट क्लाइंट में आपका इसमें ऑप्शन होता है डाउनलोड और अपलोड स्पीड को चूज करने का, तो वो अपलोड स्पीड को बहुत बहुत कम कर देते हैं। जैसे ही वो उसको कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो कहने को एक सीडर की काउंट तो वहां पे शो होती है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ 2-3-1 kbps जो भी है वो एकदम बहुत ही कम स्पीड पे अपलोड करते हैं, तो टॉरेंट जो है वो इतना हेल्दी नहीं रह पाता है। तो आपको अगर कोई भी टॉरेंट डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले सीडर्स का नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। जो सीडर्स और लीचर्स का जो रेशियो होता है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर सीडर्स 10,000 हैं लेकिन अगर लीचर्स 1,00,000 हैं तो
सीडर्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन लीचर्स तो उससे भी कहीं ज्यादा है ना। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि सीडर्स और लीचर्स का जो रेशियो है वो भी एक ठीक ठाक है और जो सीडर्स का नंबर है वो भी एक सफिशियंट है, तब जाके आपको एक काफी अच्छी डाउनलोड स्पीड देखने को मिलती है। दोस्तों टॉरेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिनको लोग ये समझते हैं कि टॉरेंट जो है वो पायरेसी के लिए काम में आता है। टॉरेंट से पायरेसी भी होती है लेकिन सिर्फ पायरेसी नहीं होती है। टॉरेंट आप कोई भी एक नॉर्मल फाइल को शेयर करने के लिए यूज में ले सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए टॉरेंट का यूज करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉरेंट सिर्फ पायरेसी के काम में आता है। आपने अक्सर ऐसी वेबसाइट्स वगैरह पे विजिट किया होगा जहां पे हमको मूवीज गाने वगैरह वो सब मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे कुछ एक्चुअल फाइल्स भी होती हैं जो एक यूजर अगर शेयर करना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ में तो वो टॉरेंट की मदद से ऐसा कर सकता है। फिर दोस्तों आजकल एक नई टेक्निक भी आई है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट लिंक। तो देखिए मैग्नेट लिंक में क्या होता है कि एक हैश टेबल होती है उसके साथ में अटैच्ड, और वो उस हैश टेबल की मदद से अपने आसपास की जो नोड्स हैं उनका पता लगाता है कि वो फाइल जो है वो कहां कहां पे है, किस किस जगह से अपलोड हो रही है। वो उन जगह से अपने आप कनेक्ट करता है एक मैग्नेट की तरह, और वहां से फिर वो आगे करते करते सभी नोड से एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि सभी सीडर्स से एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कुछ टॉरेंट्स में आप देखेंगे तो ट्रैकर एक काम में आता है, जो ट्रैकर जो है वो ट्रैक करता है कि कहां कहां पे फाइल अपलोड डाउनलोड हो रही है, और कुछ टॉरेंट्स में एक मैग्नेट लिंक की मदद से काम हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आप जान गए होंगे कि टॉरेंट टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, कैसे एक फाइल है जो सभी यूजर्स के बीच में शेयर हो जाती है, कैसे सीडर्स बनते जाते हैं, लीचर्स बनते जाते हैं और वो फाइल अल्टीमेटली सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक टॉरेंट जो है वो हेल्दी हमेशा के लिए नहीं बना रहता है। कभी ऐसा होता है कि आज मैंने एक फाइल अपलोड की, अगले 10 दिन तक वो बहुत पॉपुलर थी तो 10 दिन तक तो वो आराम से डाउनलोड हो रही है, 10 दिन बाद धीरे धीरे लोगों ने सीड करना बंद कर दिया और हो सकता है 3-4 महीने के बाद में मेरे सीडर्स बहुत ही कम रह जाएंगे तो वो जो फाइल है वो इतनी एक्टिवली मेरे को अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आप नेट पर सर्च करते हैं पुराने टॉरेंट्स के लिए तो आपको इतने ज्यादा सीडर्स या लीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके रोजाना नई नई टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।